नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो फिलहाल मैं हूं अभी जयपुर में और मैं आपको एक ऐसे हुनरबाज, एक टैलेंटबाज से रूबरू कराऊंगा जो पक्षियों और जानवरों की हूबहू आवाज़ निकालता है। वैसे बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें टाइम दिया है मॉर्निंग का कि अगर आपको मिलना है तो आइए मॉर्निंग में 8 बजे से पहले। तो अभी वो आ रहे हैं और उनसे हम मिलवाएंगे आपको। हेलो, हाय, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, हाय फ्रेंड्स। हेलो, ये हमारे भैया है। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? गणेश योगी। गणेश योगी, ओके सर। बड़ी बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे, हमारे व्यूअर वो भी इंतज़ार कर रहे थे। तो आप सबसे पहले किसकी आवाज़ निकालोगे? मैं मेरे दोस्तों को सुनाना चाहूँगा बकरी की। अच्छा, बकरी की आवाज़, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जी। वाह वाह वाह, वाह यार वाह वाह। अच्छा, बकरी की आवाज़। उसके बाद मैं सुनाना चाहूँगा बकरे की। अच्छा, बकरे की। हाँ, जब वो रोमांटिक मूड में आता है तो वो बकरी के साथ में क्या करता है। अच्छा। हाँ, रोमांटिक वाली फीलिंग। हाँ, रोमांटिक वाली फीलिंग। अच्छा, तो मैं बकरे की सुनाना चाहूँगा। हाँ। तो वाह वाह वाह, तो ये रोमांटिक वाली हो गई बकरे की। अच्छा, ये रोमांटिक वाली। अच्छा, और इसके अलावा दूसरी? इसके अलावा दूसरी है कोयल की। अच्छा, कोयल की। जैसे बरसात आ रही है, उसको प्यास लग रही है, तो वो कोयल। अच्छा, या अपने जो मित्र है, उनके फ्रेंड है, उनसे बिछड़ जाती है। हाँ, तो कैसे वो अपने को याद करती है। ओके, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब है दोस्तों मोर की। अच्छा, अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाता है वो, ठीक है, क्योंकि मोर में और अपनी मोरनी में भी प्यार होता है। अच्छा, इंसानों में होता है। अच्छा, जानवर भी प्यार करते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किस हिसाब से पुकारता है? जी, वाह वेरी गुड वेरी गुड। ये ऐसे आवाज निकालता है वो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हाँ, मेरी जानू वापस आओ मेरे पास। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, मतलब आपका एक पक्षियों और जानवरों से गहरा रिश्ता है। हाँ, यानी बहुत, बहुत। तुम्हारे, मैं गांव से ही हूँ। हाँ, तो हमारे गांव में कई प्रकार के पक्षी हैं, जानवर हैं। हाँ, उनके साथ में मुझे अच्छा लगता है, उनकी आवाज सुनता हूँ मैं, उनकी आवाज की तरह निकालने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद में दोस्तों भेड़ की। अच्छा, जब भेड़ झुंड से बिछड़ जाती है, अलग हो जाती है। हाँ, हाँ। तो वो किस प्रकार उसका साथी को आवाज लगाती है? जी, ना, 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 ना। हाँ, अब मैं सुनाना चाहूंगा डॉगी की। जब हमारे घर में कोई अजनबी इंसान आता है, हाँ जी, तो फिर वो कुत्ता हमारे डॉगी क्या करता है? जी, जैसे वो शुरू में वो इंसान को देखेगा। हाँ, तो वो डॉगी कैसे करेगा? हाँ, पहले करेगा वो अब वो इंसान थोड़ा डरेगा, बिछड़ेगा। हाँ, कि भाई ये कुत्ता खाने जाए। हाँ, तो वो थोड़ा पीछे होगा या फिर आगे होगा, आवाज लगाएगा हमको। हाँ, जैसे हम घर में नहीं हुए मान लो। अच्छा, तो वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो वो एकदम पूंछ हिलाएगा ऐसे। हाँ, तो सोचेगा वो हमारा इंसान है या फिर पराया, फिर भी वो भूसेगा। हाँ, फिर करेगा वो पैर भी काट सकता है या फिर हमारा जो भी है हाथ बात पकड़ सकता है। ठीक है, ओके गुड। इसके बाद में मैं सुनाऊंगा, जब बकरी अपने बच्चे को जन्म देती है। अच्छा, तो इस प्रकार अपनी फीलिंग है या फिर दर्द हमारे को सताती। अच्छा, है डिलीवरी टाइम की। हाँ, डिलीवरी टाइम। ओके, वो करती है। यस, अच्छा, गुड गुड गुड। ओके, जब उसका डिलीवरी होने के बाद बच्चा बाहर आ जाता है। हाँ, पेट से। अच्छा अच्छा, फिर वो करता है। अच्छा अच्छा, न्यू बेबी की फीलिंग है। हाँ, तो दोस्तों ये हमारे भाई ने हमें सबको एंजॉयमेंट किया और इनकी आवाज़ से रूबरू कराया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच।
इसी तरह आप लोगों को हंसाते रहे और कुछ नया सीखते रहे जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आपको भी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। और सब्सक्राइब, हाँ ये हमारे भाई की रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू।